देश में मार्च महीने में आधिकारिक रूप से गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और कहीं कहीं बारिश के कारण सर्दी का असर बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में दिन की गर्मी के साथ रात में सर्दी का भी एहसास हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सहित कई पश्चिमी हिमालयी राज्यों में सामान्य से अधिक ठंडा मौसम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में इस सप्ताह बारिश के आसार हैं। लोगों को संभावित हिमस्खलन वाले क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से राज्य में शीतलहर की स्थिति है। बारिश और बर्फबारी के कारण कई इलाकों में हिमस्खलन और भूस्खलन हुए हैं। इसकी वजह से 650 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। स्पीति घाटी में फंसे 81 पर्यटकों को निकाला गया। किन्नौर जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं कश्मीर घाटी के अधिकांश पर्यटन स्थलों पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गुलमर्ग में 0 से 12 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस कम था। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम के मुकाबले 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। ये घाटी के लिए सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम था। इसी तरह पर्यटन स्थल पहलगाम में भी पारा 0 से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम के मुकाबले 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला गया। मौसम विभाग के अनुसार मार्च में असाधारण बारिश होगी। लद्दाख के कुछ चरम पूर्वोत्तर हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में ये महीना बारिश वाला होगा। तो वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो रविवार और सोमवार को बारिश के बाद तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। तापमान में गिरावट की वजह से एक बार फिर से लोगों को सुबह और शाम के समय गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम। दिन के समय पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी बादल छाए रहने की संभावना है, साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से राज्य में शीतलहर की स्थिति है। बारिश और बर्फबारी के कारण कई इलाकों में हिमस्खलन और भूस्खलन हुए हैं। इसकी वजह से 650 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। स्पीति घाटी में फंसे 81 पर्यटकों को निकाला गया। किन्नौर जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं कश्मीर घाटी के अधिकांश पर्यटन स्थलों पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गुलमर्ग में 0 से 12 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस कम था। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम के मुकाबले 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। ये घाटी के लिए सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम था।